हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? रैंडम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेट टू फॉलो द हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स एन एम एंड एन इफ़ इट एज्यूम्स ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यूज एंड इट्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज गिवन बाय पी एक्स इक्वल टू के एच के एन एम एन, और ये यहाँ पे एम सी के एन माइनस एम सी एन माइनस के और एन सी एन, और इसके के की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो से लेकर एन तक होती है। ठीक है, हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एम सी के एन माइनस एम सी एन माइनस के अपॉन में एन सी एन। ठीक है, ये है। इसमें आप के की वैल्यू जो हमें गिवन दी होगी उसको रख के हम उसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी हमें वैल्यूज़ दी जाएंगी। और इससे पहले ये देख लेते हैं कि इसके पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। ये पैरामीटर्स हैं इनके एन एम और एन। नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ है, नॉन नेगेटिव यानी कि इसमें कोई भी माइनस वैल्यू नहीं आनी चाहिए। और ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, यानी कि इसमें जितने भी वैल्यूज आएंगी वो सिग्मा के आधार पे होंगी, उनको हमें प्लस करके इसको सॉल्व करना होगा। उसके बाद मीन जो है, मीन इसका जो होता है वो होता है एन एम अपॉन एन, और साथ ही वेरिएंस जो होता है वो होता है एन एम एन माइनस एम एन माइनस एन अपॉन एन स्क्वायर एन माइनस वन। तो ये तो हो गए मीन और वेरिएंस। साथ ही साथ अगर मूवमेंट्स निकालने के लिए बोले तो आप मूवमेंट्स निकाल सकते हैं, तो वो आप नेट पे या फिर किसी बुक से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। केवल अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।